So moving on to our first question. Air enters a board and pillar panel. अभी हम board and pillar panel पढ़ेंगे, underground coal mining में पढ़ेंगे. यहाँ पे basically होता क्या है, let's suppose ये ore body है, एक ore body को हम क्या करते हैं, different, पहले भी मैं आपको बताया हूँ एक district क्या होता है. District वो एक जोन होता है इन अंडरग्राउंड कोल माइनिंग. इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द आपका रूल क्या बोलते हैं गाइडलाइंस CMR हम देखेंगे. ये बैरियर पिलर से ये क्या होता है, अलग होता है बाकी वर्किंग से एंड व्हिच हैव ए सेपरेट इनटेक एंड रिटर्न एयरवे. इसका सेपरेट इनटेक एंड रिटर्न एयरवे होता है, राइट. और बाकी यहाँ पे ऐसे डेवलपमेंट वगैरह होगा, यहाँ पे डिफरेंट पिलर्स फॉर्म होंगे एंड पिलर्स का अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रक्शन रेशियो वी कैन रिमूव द पिलर्स, राइट. तो यहाँ पे हम ग्राहम्स रेशियो के बारे में देखते हैं. तो व्हाट इज बेसिकली ग्राहम्स रेशियो, राइट. दिस इज अ डिस्ट्रिक्ट, ओके. डिस्ट्रिक्ट ग्राहम्स रेशियो के बारे में हम जो देखते हैं, व्हाट इज ए ग्राहम्स रेशियो, बेसिकली ये आया कहाँ से है. मैं यहाँ पे डेफिनेशन तो लिख सकता हूँ, CO डिवाइडेड बाय डेल्टा O2, राइट. CO प्रोड्यूस्ड, O2 कंज्यूम्ड. होता क्या है, हमने कोल के बारे में बहुत पढ़ा है UCM में जस्ट रिसेंटली. कोल इज ए वेरी ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल, मतलब वो ऑक्सीडेशन उसका इजीली होता है बिकॉज वहां पे कार्बन है. वो एयर से ऑक्सीजन ले लेगा तो वो क्या करेगा, CO बना सकता है या CO2 बना सकता है, राइट. तो जब सी प्लस O2 CO2 जो बनेगा उसको हम बोलते हैं कंप्लीट कंबस्शन, राइट. और जब सी प्लस O2 जब ये हाफ O2 हो जाएगा, ये बनाएगा CO बिकॉज यहाँ पे एक O बन रहा है प्रोडक्ट में, इट इज इनकम्प्लीट कंबस्शन. राइट. तो इसका मतलब क्या है, दीज आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, बेसिकली बर्निंग एंड कोल के रिलेटेड में हम एक टर्म सीखते हैं, दैट इज योर ऑटो ऑक्सीडेशन. स्ट्रेटा में जब कोल रहता है वहां पे क्या होता है, कोल ऑटो ऑक्सीडेशन होता है. इसीलिए हम क्या करते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक फिक्स्ड इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, राइट. इंक्यूबेशन पीरियड, आप इंक्यूबेशन पीरियड हैविंग टू डिफरेंट मीनिंग्स इन द अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग एंड अंडरग्राउंड कोल माइनिंग, ओके. अकॉर्डिंग टू द कोल माइनिंग, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या है कि इट इज द टाइम बिटवीन, लेमन टर्म्स में ही बता रहा हूं, फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ कोल टू एटमोस्फियर एंड द स्टार्टिंग ऑफ टाइम बिटवीन फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ द कोल टू एटमोस्फियर एंड द स्टार्टिंग ऑफ एक्टिव फायर, स्टार्टिंग ऑफ ऑटो ऑक्सीडेशन आप बोल सकते हैं, ऑटो ऑक्सीडेशन, राइट. तो जब कोल एक्सपोज होगा, हम जैसे जैसे रिमूव करेंगे वैसे वैसे कोल एक्सपोज होगा एंड आफ्टर एक्सपोजिंग कोल इट विल कम इन कॉन्टेक्ट विद द ऑक्सीजन एंड आफ्टर ऑक्सीजन व्हेन इट इज प्रेजेंट देयर इट विल गो डिफरेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मे बी कंप्लीट मे बी इनकम्प्लीट. बट व्हाट ग्राहम्स डिड, दे गिव अ ग्राहम्स रेशियो फ्रॉम व्हिच वी कैन प्रेडिक्ट whether the जो एयर आपका आ रहा है डिस्ट्रिक्ट से इनटेक में जाएगा, रिटर्न में जो एयर आएगा, रिटर्न एयर में हम टेस्ट करके हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि whether the coal present in the district is auto oxidized or it is like still we are having some time to extract the coal, right. तो उसके लिए ये ग्राहम्स रेशियो दिए हैं. ग्राहम्स रेशियो का रेफरेंस सिग्निफिकेंस क्या होता है, मैं एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस अभी मेरे को याद नहीं है, राइट, एंड आई डोंट हैव द नोट्स राइट नाउ विद मी, बट स्टिल ग्राहम्स रेशियो 0.5 है नॉर्मल कंडीशन फॉर कोल माइन, ओके.
ये 0.5 से ज्यादा और 1 से 1 के बीच में है, तो ये है स्पॉन्टेनियस हीटिंग। ये ऑटो ऑक्सीडेशन जो है इसको स्पॉन्टेनियस हीटिंग भी बोल रहे हैं हम, ठीक है। ओके, 1 से 2 के बीच में है स्पॉन्टेनियस हीटिंग अप्रोचिंग एक्टिव फायर, अप्रोचिंग एक्टिव फायर। 2 से 3, 2 से ज्यादा है देन इट इज एक्टिव फायर। तो हम क्या कर रहे हैं, बस जो रिटर्न एयर से जो उसका एयर क्वालिटी उसको चेक करके सीओ कंसंट्रेशन एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हम क्या करते हैं वहां से क्या ग्राम सेल्सियस निकालते हैं, राइट। तो यहाँ पे बोला गया एयर एंटर्स इन अ बोर्ड एंड पिलर पैनल एट 10 ppm सीओ। तो इनटेक एयर में कितना था, इनटेक एयर में था आपका 10 ppm सीओ एंड 20.78% ऑक्सीजन, 20.78% ऑक्सीजन। ओके, रिटर्न एयर में कितना हो गया, रिटर्न एयर में आपका है 80 ppm सीओ और आपका 20.52% ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पहले यहाँ पे सीओ प्रोड्यूस्ड हम देखते हैं, सीओ कितना प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पहले कैलकुलेट करो। सिंपल है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट यू नीड टू नो कहाँ से आया है ये सब चीजें, राइट। कितना, 10 ppm पहले सा और 80 ppm आप बाद में टेस्ट करने के बाद, तो इट इज गिविंग योर 70 ppm। ओके, O2 कंज्यूम्ड, स्क्रीन पर विजिबल, सब विजिबल है ना, विजिबल ऑडिबल, ऑडिबल एंड विजिबल, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ और कुछ अगर नहीं सुन रहा है उतने देर से बक रहा हूँ तो विल ऑफ नो यूज। ऑडिबल एंड विजिबल क्लियर है, क्विकली रेस्पॉन्ड गाइस। ओके ग्रेट, तो O2 कंज्यूम कितना है, 20.78 था पहले जब अंदर गया, वहां पे हम भी ब्रीदिंग ब्रीदिंग मतलब अपना रेस्पिरेशन हो रहा है, और जहां जहां पे और क्या होता है, ये कोल सब ऑक्सीडाइज होता है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है वहां पे, राइट। तो दैट इज कमिंग आउट टू बी, तो O2 कंज्यूम लिख रहे हैं हम, ठीक है। दिस मच परसेंटेज पीपीएम मतलब हाउ मच, ये 70 ppm मतलब 70 × 10⁻¹ 70 / 10⁶, मतलब 1 मिलियन में 70 ppm है, राइट। दिस मच ppm, दिस मच वहां पे क्वांटिटी है, इसको परसेंटेज में करेंगे तो 10⁻², 70 × 10⁻⁴। ओके, दिस मच परसेंटेज। ओके, ये हम देखेंगे आगे, तो अभी सॉल्व करते करते ये कितना आ रहा है, दिस इज योर 0.0 दिस इज योर 0.6 और आपका हो गया 2, राइट। इतना परसेंटेज आपका ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हुआ है, तो ग्राहम रेशियो GR क्या हो जाएगा, 70 ppm है, मतलब 70 / 10⁶, और अभी आपका O2 कंज्यूम 0.26%, मतलब 0.26/100, राइट। तो अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 70 / 10⁶ इंटू 26 × 10⁴, राइट। दिस इज कमिंग आउट 10⁻². ओके, 70 / 26 × 10⁻² 70 / 26 हाउ मच इज कमिंग यहाँ पे, राइट। 70 / 26 करो, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2.692 / 100, 0.0269, राइट। आंसर कितना दिया है, लेट अस चेक, क्वेश्चन नंबर इज 38, लेट अस सी 38 का।
इन परसेंटेज 2.69 परसेंटेज में पूछा गया है यहाँ पे, आई थिंक फर्स्ट स्टेटस ऑफ फायर इन परसेंटेज पूछा है, तो ये 100 को हम डिवाइड नहीं करेंगे यहाँ पे, ये जो 100 यहाँ पे डिवाइड किया परसेंटेज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.692 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100 परसेंटेज में ये कट गया 2.69। ओके दिस इज योर सॉल्यूशन, क्लियर है? ओके लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। इन ए सब लेवल स्टोप, सब लेवल स्टोपिंग के बारे में मैं आपको वीडियो वगैरह भेजा था देखने के लिए, और 2021 डिस्कशन के टाइम में हमने पूरा वीडियो देखा था एटलस कोपो का कि वो कैसे होता है, आपका रफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट? तो सब लेवल स्टोपिंग कैसे होता है, जस्ट अगेन आई विल जस्ट ओके। New position here. Working on it. Sub-level stoping is a commonly used method in large-scale mining. It is a versatile and productive method that is primarily used for large ore bodies with a steep dip, regular shape, and defined ore boundaries. There are different variations of the method depending on the shape of the ore body. However, the method is based on the principle of blasting out large stopes, which are usually backfilled to maximize recovery of the ore body. Drifts are created through the ore body to enable mining of stopes between sublevels. The ore body can be divided into primary and secondary stopes, where the primary stopes are mined first. Primary and sublevels. The ore body can be divided into primary and secondary stopes, where the primary stopes are mined first. The secondary stopes are left as pillars until the adjacent primary stopes have been mined and backfilled. Stabilized fill in the primary stopes prevents sidewalls to cave in when secondary stopes are mined. Opening raises are between two levels. ये जो दो level है, दो level के यहाँ पे cross cut मारा है ore body में. See, अभी यहाँ पे क्या होगा, ऊपर से ये जो जंबो ड्रिल है, राइट, ये आपका दूसरा, इसको अलग नाम है क्या, ये जंबो ड्रिल नहीं है, दिस इज योर यूनिवर्सल ड्रिलिंग मशीन कुछ ऐसा है, राइट। ये क्या करता है, रिंग पैटर्न में ऊपर लेवल से नीचे लेवल तक क्या करेगा, पूरा रिंग पैटर्न में पहले काला होल मार रहा है क्रिएट द स्टार्टअप ऑफ द स्टोपिंग प्रोसेस। इफ रॉक कंडीशंस अलाउ, it is common to drill the entire stope before charging and blasting. Once ore from the first section has been blasted and mucked out, enough room is made to blast larger sections of the stope. One of the advantages with backfilling is the possibility to reuse waste for backfill material, such as tailing sand from the processing plant. The excavation sequence continues according to plan. Before it is time to excavate the secondary stopes, cable bolts are often installed above the stope. This will provide additional support to the rock mass, helping to prevent larger blocks from falling into the excavated stope. Productivity is maintained at a high rate since it is possible to mine the ore on different levels and stopes at the same time. Sublevel stoping is a productive large-scale mining method. So this is a stop level stoping. Okay. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक फिगर ले लेता हूँ मैं गूगल से। सब लेवल स्टोपिंग
ये वाला ले लेते हैं, चाहिए नहीं, मैं वहां पर ड्रॉ भी कर सकता हूँ बट स्टिल ले ले रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो। इन ए सब लेवल स्टोक 20 मीटर हाई एक्सकैवेशन इज मेड विथ रिंग ड्रिलिंग, मतलब ये जो लेवल है और ये जो ये लेवल है, ये बीच का डिस्टेंस कितना है 20 मीटर। ओके, वहां पे देखिए कैसे दो लेवल, ये भी एक लेवल है राइट, यहाँ पे ये रिंग ड्रिलिंग चल रहा है राइट। कितना ओवर बॉडी का वेट है 6 मीटर विथ ओवर बॉडी। ओके, विथ एन इफेक्टिव शिफ्ट ऑफ 6 आवर्स 3 रिंग्स आर ब्लास्टेड रिजल्टिंग इन 9 मीटर एक्सकैवेशन लेंथ। एक्सकैवेशन लेंथ मतलब क्या है कि ये जो लेंथ है यहां से यहां तक राइट, यहां से ब्लास्ट किए तो दिस विल बी योर सिर्फ 20 मीटर, ये 9 मीटर का, मतलब कुछ ऐसे आप विजुअलाइज कर पाना चाहिए क्वेश्चन देख के, या फिर किसी भी ग्राउंड कंडीशन अगर दिया है उसको देख के आप विजुअलाइज कर पाना चाहिए। वो मेरा काम है कि वो आपको उतना सिखा दो कि आप विजुअलाइज कर सको, इसीलिए मैं आपको वो एनिमेशन दिखा रहा था। एट ए टाइम दिस मच वॉल्यूम, मतलब ये 6 मीटर तो विड्थ है इसका, ये 20 मीटर का हाइट है, और जो तीन रिंग ड्रिलिंग को अपन ब्लास्ट कर रहे हैं उससे हमको यहां से कितना, सी ये ब्लास्टेड है ऑलरेडी, नीचे से फिलिंग हो रहा है, नीचे से फिलिंग हो रहा है राइट, तो ये कितना मीटर तक एक एक बार में ब्लास्ट करें, 9 मीटर तक राइट, यहां से हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। एलएसडी का बॉकेट कैपेसिटी, ये जो नीचे एलएसडी वगैरह काम कर रहा है वहां पे भी जो आप देख रहे थे वीडियो में, यहाँ पे जो एलएसडी वगैरह काम कर रहा है, एलएसडी का बॉकेट कैपेसिटी दिया है कितना 5 मीटर क्यूब, और इसका साइकिल टाइम दिया है कितना 5 मिनट। हम सरफेस माइनिंग में पूरा अच्छे से सीखे हैं ये, इसका प्रोडक्शन निकालना, बॉकेट कैपेसिटी, यहाँ पे तो बॉकेट फील फैक्टर स्वेल फैक्टर ये सब नहीं दिया है, वहां पे वो सब देता भी तो हम कर लेते राइट। ओके, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना जो कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे फिर हमको क्या करना है, 5 मिनट्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो नंबर ऑफ एलएसडी कितना चाहिए, तो पहले एक ब्लास्ट में कितना प्रोडक्शन देना है वो देख लेते हैं। 6 घंटे का शिफ्ट में काम हो रहा है ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लास्टिंग कब होता है, एक शिफ्ट खत्म होता है, सब में सब लोग बाहर आ जाएंगे, फिर ब्लास्टिंग होगा, और दूसरे शिफ्ट खत्म होते होते हम क्या ट्राई करेंगे कि पूरा जो मटेरियल ब्लास्टेड हुआ है वो मटेरियल को हम क्या कर लें, एक्सकैवेट कर लें, मतलब वो उस जगह से निकाल के आपका ट्रांसपोर्टेशन करके ऊपर भेज दें, हमको ये चाहिए राइट, तो वो हम देखेंगे कि हो पा रहा है कि नहीं राइट। तो अभी एक बार ब्लास्ट करने से कितना वॉल्यूम मिल रहा है, 6 × 9 × 20। ओके, दिस मच मीटर क्यूब 54। ओके, दिस मच मीटर क्यूब 1080 मीटर क्यूब इतना हमको मिल रहा है एक बार में राइट। और अपन को बॉकेट एक हम अभी कैलकुलेट करते हैं कि एलएसडी एक घंटा में कितना प्रोड्यूस कर रहा है मीटर क्यूब पर आवर, उसका प्रोडक्शन निकालते हैं कितना है बॉकेट कैपेसिटी, बॉकेट फिल फैक्टर स्वेल फैक्टर कुछ दिया नहीं है, तो बॉकेट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इन सेकंड ऊपर 3600 मल्टीप्लाई करेंगे आवर में कन्वर्ट करने के लिए, तो कितना लग रहा है इसको 5 मीटर क्यूब बॉकेट कैपेसिटी, टाइम ऑफ टाइम साइकिल टाइम कितना है 3600 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नीचे क्या है मिनट में दिया है राइट, नीचे अगर मिनट में दिया है तो ऊपर क्या करेंगे अपन 60 मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 60 मिनट बराबर 1 आवर तो मीटर क्यूब पर आवर आ जाएगा। टाइम साइकिल टाइम कितना दिया है इसका 5 मिनट, ओके इंटू 60, तो हम दिस इज 60 मीटर क्यूब पर आवर है इसका प्रोडक्शन राइट एलएसडी का, हमको प्रोडक्शन कितना करना है 1080 मीटर क्यूब, कितना आवर में 6 आवर्स में राइट। ओके, तो हम लेट सपोज क्या कर रहे हैं यहाँ पे एन नंबर ऑफ एलएसडी ले रहे हैं, कितना इजी क्वेश्चन है, अगर समझ पा रहे हैं कंडीशंस को तो हाउ मच इजी, दिस इज वेरी मच इजी क्वेश्चन। ओके, तो एन नंबर ऑफ एलएसडी जिसका प्रोडक्शन है 60 मीटर क्यूब पर आवर कितने टाइम के लिए काम कर रहा है, 6 घंटा के लिए काम करेगा, तो कितना हमको प्रोडक्शन चाहिए 1080
मीटर क्यूब. सी यहाँ पे आवर आवर भी कट जा रहा है, मीटर क्यूब में आ रहा है फाइनल यूनिट कन्वेंशन, राइट. तो एन इज बेसिकली 1080 डिवाइडेड बाय 360. ओके, हाउ मच दिस इज कमिंग, कैलकुलेटेड. थ्री, ओके, एग्जैक्टली थ्री. तो द आंसर इज थ्री. मतलब यहाँ पे तीन एलएसडी अगर काम करेगा तो व्हाट वी विल गेट द रिक्वायर्ड प्रोडक्शन. क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर 3.0. ओके, राउंड अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस. क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. अ कोल सीम लाइंग एट अ डेप्थ ऑफ 200 मीटर इज डेवलप्ड बाय बोर्ड एंड पिलर मेथड. ओके, पिलर्स आर 30 मीटर सेंटर टू सेंटर विद गैलरी. ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ये आप कोल माइनिंग में अपन पढ़ेंगे इसको, राइट. कोल माइन बेसिकली होता कैसा है ना, कोल माइन सर बेसिकली दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम लाइंग फ्लैट, कुछ कंडीशन गिवन नहीं है. दिस इज द कोल, कोल बॉडी. ओके, तो अभी यहां पे क्या है कि हम देखते हैं कि केक कितना डेप्थ में है, राइट. राइट, हाउ मच डेप्थ इट इज बिलो. ओके, मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्शन रेशियो का एक फिगर ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा. Wait, just take let me take one figure for you. क्या क्या ये मैं डिफरेंट डिफरेंट इमेज इसीलिए लेता हूं ताकि आप विजुअलाइज कर सको चीजें, राइट. विजुअलाइजेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन आवर फील्ड. ओके, आपका अभी जियो क्या बोलते हैं, जियो मैकेनिक्स स्ट्रेटा कंट्रोल चल रहा है ना, तो वहां पे भी सही है कॉपी इमेज. हाँ, हो गया. सी अभी करते हैं, ये चीज को थोड़ा समझते हैं. सिंस बोर्ड एंड पिलर मेथड आपका पढ़ाया नहीं गया है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस मच टाइम इन दिस क्वेश्चन. अदरवाइज दिस आर द वेरी ट्रिवियल क्वेश्चंस. ओके, दिस इज अ बोर्ड एंड पिलर एक्सट्रक्शन, राइट. सी दिस आर द कोल पिलर्स. ओके, यहाँ पे एलएसडी चल रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूस माइनर. सी दिस इज अ कंटिन्यूस माइनर. ओके, यहाँ पे हेडिंग्स आ रहा है, एक ये हेडिंग हो रहा है, यहाँ पे हेडिंग हो रहा है, राइट. ये क्या है, यहाँ पे बेसिकली आपका कन्वेयर है. जैसे मैंने पहले बनाया था, ये डिस्ट्रिक्ट बनाया था, ये डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे दिखाया गया है साइड व्यू से. ये कन्वेयर है, यहाँ पे आपका शटल कार कन्वेयर में लोड कर रहा है. दिस इज योर फीडर. ओके, फीडर. ओके, सो यहाँ पे भी आप शटल कार आके यहाँ पे लोड कर रहा है, यहाँ पे फीडर है. दीज आर शटल कार, दिस इज योर कंटिन्यूस मैन, नॉट एलएसडी. ओके, तो अभी होता क्या है कि पहले पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसे कोल सीम था, पहले क्या था, पहले लेट सपोज ये आपका कोल सीम था,
राइट, दिस इज योर कोल सिल पहले, ओके राइट। अभी हम क्या किए, ड्यू एक्सट्रैक्शन करके हम क्या किए, अभी यहां पे कुछ ऐसे गैलरी बना दिए, यहां पे ऐसे एक गैलरी बना दिए, दिस इज योर गैलरी विड्थ, विड्थ ऑफ गैलरी डब्ल्यू जी लिख देता हूं, राइट ओके। तो अभी ये गैलरी, ये दोनों गैलरी का सेंटर से जो डिस्टेंस है, दिस इज योर विड्थ ऑफ पिलर, ओके ओके। मतलब ये फिगर में, ये फिगर में विड्थ ऑफ पिलर क्या होगा, ये गैलरी का ये मिड से अगर कुछ ऐसे अगर सेंटर लाइन यहाँ पे बनता, राइट, दिस विल बी योर विड्थ ऑफ पिलर। अभी विड्थ ऑफ पिलर को हम क्या करते हैं, छोटा करते करते गैलरी को एक्सपांड करते हैं, और विड्थ, और ये विड्थ ऑफ पिलर इज ए फिक्स्ड वैल्यू जो कि आपका ड्यूरिंग क्या बोलते हैं, जब आप प्लानिंग कर रहे हो उस टाइम डिसाइड करोगे, पर गैलरी के विड्थ को हम क्या करते हैं, धीरे धीरे बढ़ा कर, बढ़ा करके इसका एक एक्सट्रैक्शन रेशियो निकालते हैं जो कि आर होता है, राइट ओके। तो मैं यहाँ पे 2D फिगर बना रहा हूँ, लेट्स सी, दीज आर पिलर्स आफ्टर एक्सट्रैक्शन, ओके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है, राइट, दिस इज योर बैरियर पिलर, अनदर बैरियर पिलर, ओके, ये डिस्ट्रिक्ट कोड इस तरह बढ़ रहा है, राइट। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्सट्रैक्शन रेशियो क्या है, और वहां से हम फिर जंप करेंगे ये सब जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, राइट। ये एक पिलर को देखो, दिस पिलर, राइट, ओके। तो यहां पे जो आपका ये कि लाइन एट ए डेप्थ, पिलर्स आर 30 मीटर सेंटर टू सेंटर विद द गैलरी विद द, तो सेंटर टू सेंटर 30 मीटर कौन सा है, दिस वन, ओके, जस्ट गिव मी ring, this is your 30 meter center to center, 30 meter, okay, similarly here also this is, मतलब जो gallery का center से, और यहाँ पे gallery width कितना है, this is right, how much is your gallery width, gallery width will be right। तो अभी एक पिलर को हम अगर देखें यहां पे, ये सब चीजें आपको कहीं बताया गया होगा, आई थिंक, राइट, पिलर विड्थ, राइट, एंड ये गैलरी का आधा है, दिस मच इज योर हाफ ऑफ गैलरी डब्ल्यू जी बाय टू, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हाफ ऑफ गैलरी हम यहाँ से देख रहे हैं डब्ल्यू जी बाय टू। अभी हाउ मच इज दिस, दिस इज योर डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू जी बाय टू इंटू टू, तो डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू कर लेंगे, तो ये आपका लास्ट में कितना बचा है पिलर का वो हमको मिल जाता है। व्हाट इज योर एक्सट्रैक्शन रेशियो, जिन लोगों के लिए नहीं पता है ये सब चीजें उनके लिए है, ठीक है, व्हाट इज योर एक्सट्रैक्शन रेशियो, एक्सट्रैक्शन रेशियो विल बी बेसिकली कि आप कितना किए हो, राइट, एक्चुअली में था कितना डब्ल्यू पी होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी डब्ल्यू पी है, स्क्वायर पिलर्स हैं ये, ठीक है, अगर ए अगर उसका लेंथ और विड्थ अलग होता तो उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला होता, डब्ल्यू पी होल स्क्वायर था, कितना एक्सट्रैक्ट किए हो, सॉरी एक्सट्रैक्ट कितना किया हो, डब्ल्यू पी होल स्क्वायर से हम कितना एक्सट्रैक्ट किए हैं, डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू जी का होल स्क्वायर, सॉरी यहां से कितना एक्सट्रैक्ट किए हैं, डब्ल्यू जी
राइट हाँ, डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू जी का होल स्क्वायर को अगर रिमूव कर दे, मतलब ये बड़े वाले से, राइट, ये बड़े वाला है डब्ल्यू पी होल स्क्वायर, राइट। अगर यहां से हम क्या कर रहे हैं, यहां से हम क्या कर रहे हैं, इतने को रिमूव कर दे रहे हैं, इतने को, सॉरी, इतना बचा है लास्ट को, राइट। तो बाकी जो अभी जो येलो शेडेड पोर्शन है, जो यहाँ पे बाहर जो येलो शेडेड पोर्शन है, दैट मच पोर्शन इज हम रिमूव किए हैं फ्रॉम वन पिलर, राइट। ओके, दैट मच वी हैव रिमूव फ्रॉम वन पिलर, तो दैट विल गिव योर एक्सट्रैक्शन रेशियो, मतलब कितना रिमूव किए हो डिवाइडेड बाय कितना का एरिया था, एरिया कैलकुलेशन टाइप का है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ, इसका विड्थ है, ये आप नोट कर लिए, राइट। उन लोगों के लिए जिनको ये थोड़ा इसका ये बेसिक्स मालूम नहीं था, ठीक है। कॉपी टेस्ट पेस्ट हियर, ओके। अभी एक अलग फॉर्मूला से मैं ये बताता हूँ, राइट। दिस इज योर ए, राइट, ए है आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, और गैलरी विड्थ कितना है यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ गैलरी विड्थ है बी, मतलब ये डिस्टेंस हो गया बी बाई टू, राइट। अभी हाउ मच इज दिस, दिस इज ए माइनस बी, ओके। तो अभी एक्सट्रैक्शन रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्सट्रैक्शन रेशियो जो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ओके। या फिर अगर यहाँ पे क्या गिवेन होगा, लेट सपोज यहाँ पे गिवेन होगा, यहाँ पे अगर इसका वैल्यू गिवेन होगा ए, राइट, इसका वैल्यू गिवेन होगा ए, ये होगा बी बाई टू, बी बाई टू गैलरी विड्थ का कुछ गिवेन होगा, तो हम यहाँ पे जो इतना पोर्शन ले रहे हैं, दिस इज योर हाफ ऑफ द गैलरी विड्थ, राइट। तो अभी यहाँ पे हाउ मच इज दिस, ए प्लस बी, दिस इज ऑल्सो ए प्लस बी, राइट। ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आप देखे होंगे एक्सट्रैक्शन रेशियो का फॉर्मूला, तो क्या हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज योर एक्सट्रैक्शन रेशियो, ऑल विल बी, ऑल द थ्री फॉर्मूलेज विल बी सेम, ओके, देयर इज नथिंग डिफरेंट, दैट इज योर एक्सट्रैक्शन रेशियो। अभी आते हैं यहाँ पे जो पिलर है, ये जो पिलर है, ये पिलर के ऊपर अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इतना पोर्शन हम, ये तो पूरा कोयला था, राइट, ये पूरा आपका कोयला था, यहां से हम इसको रिमूव कर दे रहे हैं, राइट। दिस इज योर कोल इनिशियली, राइट। तो ये आप इतना रिमूव कर दे रहे हैं, ओके। ये गैलरी है, गैलरी विड्थ जो बी, कुछ भी ले लो आप, डब्ल्यू जी लिया हूं मैं यहाँ पे, कुछ भी ले लो, ए बी कुछ भी ले लो, ठीक है। तो अभी ये तो सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर पिलर विड्थ ये है, सेंटर टू सेंटर पिलर विड्थ हमेशा ये है, नॉट दिस स्मॉल है, अगर ऐसा दिया है दिस इज नॉट, ओके। ये सेंटर टू सेंटर मतलब दिस सेंटर ऑफ गैलरी टू सेंटर ऑफ गैलरी पिलर विड्थ, ओके। तो अभी क्या होता है, अभी तो अगर एक पिलर का हम देखें स्ट्रेस, एक पिलर, एक पिलर का स्ट्रेस प्रोफाइल कैसे गिरेगा, ये पूरा इवेनली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले पहले क्या होता होगा, पहले ये पूरा ऐसे इवेनली डिस्ट्रीब्यूट होता होगा स्ट्रेस, राइट, पूरा पिलर में डिस्ट्रीब्यूट होता होगा ऐसे, ओके। एंड हाउ मच इज द वैल्यू, गामा एच, गामा इज द यूनिट वेट, राइट, वेयर एच इज द डेप्थ फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द कोल सीम, ये आप रॉक मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, एनीवन हैज कमेंट समथिंग पढ़े हैं, ग्राउंड कंट्रोल, ओके, ग्राउंड कंट्रोल में पढ़े हो क्या,
ठीक है, बट दोज हु आर नॉट इन द रेगुलर क्लासेस उनके लिए एक बार सुन लो इसको, राइट. दिस इज योर एच, ओके. तो गामा इज द यूनिट वेट, उसका यूनिट हो गया किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ओके, इनटू एच, एच का यूनिट मीटर. तो दिस ओवरऑल यूनिट विल बी गामा एच का यूनिट क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी योर पास्कल, तो दिस विल बी योर किलो पास्कल, गामा एच का फॉर्मूला. तो दिस इज द स्ट्रेसेस ओवर पिलर. अभी क्या होता है, जब इतना पोर्शन आप रिमूव कर दोगे, ये आधा इतना और यहां से ये आधा इतना आप रिमूव कर दे रहे हो ना, तो आफ्टर रिमूविंग दिस क्या होता है, अभी सारा लोड क्या होता है, अभी सारा रोल क्या होता है, थोड़ा सा अभी सब लोड इसके ऊपर आ जाता है बस, वो खाली पोर्शन में तो कहीं लोड नहीं पड़ सकता, राइट. सारा लोड क्या होता है, ये पिलर के ऊपर आ जाता है, राइट. मतलब सारा लोड अभी इतना कुछ आ जाएगा और लोड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीजेस पिलर के ऊपर, राइट. दिस इज लोड इंक्रीजेस. ये जो ब्लू वाला लाइन अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस विल बी द फाइनल लोड, ओके. मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ वरना पता नहीं चलेगा. दिस विल बी अ फाइनल लोड, ओके. दिस मच लोड थोड़ा सा बढ़ रहा है, जो इनिशियली लोड था गामा एच, दैट विल इंक्रीजेस टू सम वैल्यू, राइट. तो वो कितना इंक्रीज कर रहा है, वो उसका एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पे, राइट. स्ट्रेसेस ओवर पिलर इज इक्वल टू गामा एच डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ओके. आर इज द एक्सट्रक्शन रेशियो, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, ओके. और अभी ये इंक्रीज हो रहा है, कैसे जान रहे हैं, बिकॉज गामा एच इज वैल्यू, अभी 1 माइनस आर शुड बी लेस देन 1, बिकॉज आर इज ऑलवेज लेस देन 1, राइट. आर इज ऑलवेज लेस देन 1, फ्रॉम द फॉर्मूला वी कैन गेट इट, ऑलवेज लेस देन 1, राइट. तो 1 माइनस आर शुड ऑल्सो बी लेस देन 1, तो गामा इज डिवाइडेड बाय समथिंग विच इज लेस देन 1. अगर नीचे कुछ रहेगा ऐसा डिजिट जो कि लेस देन 1 है, देन ओवरऑल वैल्यू विल बी इंक्रीज्ड, ओके. सो दिस इज द पिलर स्ट्रेस फॉर्मूला. अभी यहाँ पे देखते हैं एक कोल सिम कितना नीचे है, कोल सिम नीचे मतलब h इज इक्वल टू 200 मीटर डेप्थ में है, ओके. सेंटर टू सेंटर उसका डिस्टेंस क्या है, डब्ल्यू पी पिलर का 30 मीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मैं आपको बताया हूँ क्या है. गैलरी विड्थ क्या है आपका 4 मीटर, ओके. यूनिट वेट 28 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. पिलर स्ट्रेंथ कितना दिया है, स्ट्रेंथ दिया है, हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे, तो पहले स्ट्रेस निकालते हैं, राइट. उसके बाद स्ट्रेंथ क्या है देखेंगे, एमपीए में दिया है, मेगा पास्कल में दिया है, राइट. तो अभी हम स्ट्रेसेस ओवर पिलर क्या पढ़ेंगे, गामा एच डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर. गामा एच का वैल्यू कितना है, 28 इंटू, अभी ये केपीए में आएगा, सी यहाँ पे मैं केपीए यूनिट में आएगा, उसको फिर एमपीए में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है. एच इज 200 मीटर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का वैल्यू कितना है वो निकालना पड़ेगा, राइट. आर का वैल्यू यहाँ से हम निकालते हैं, आर कितना है, आर विल बी बेसिकली डब्ल्यू पी कितना दिया है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 30 होल स्क्वायर माइनस डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू जी, मतलब गैलरी विड्थ को माइनस करते हैं, गैलरी विड्थ कितना दिया है 4 मीटर, कितना दिया है 4 मीटर, राइट. तो 26 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30 होल स्क्वायर, हाउ मच इज योर एक्सट्रैक्शन रेशियो, जस्ट कैलकुलेट इट, 30 होल स्क्वायर माइनस 26 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30 होल स्क्वायर, दिस इज योर 0.248, ओके. तो अभी यहाँ को 0.248 आप पुट कर दो, दिस इज योर 28 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.248, दिस इज कमिंग टू बी 7446.80. दिस इज केपीए, एमपीए में कैसे कन्वर्ट करें, 1 एमपीए, ऊपर हमको एमपीए यूनिट चाहिए, इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 केपीए, इट केपीए केपीए कट गया, डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3, 7.446, दिस मच एमपीए इज द स्ट्रेस एक्टिंग ऑन दैट पिलर. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा याद रखो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, स्ट्रेंथ अपॉन स्ट्रेस, कितना स्ट्रेंथ वो झेल सकता है डिवाइडेड बाय कितना स्ट्रेस उसके ऊपर गिर रहा है, राइट. तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका कितना आ जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी स्ट्रेंथ इज 9.32 डिवाइडेड बाय 7.446, हाउ मच दिस इज 9.32, 9.32 डिवाइडेड बाय 7.446.
This is coming out to be 1.25. Okay. 1.25. This is your factor of safety. Let's see the answer. Question number 40. तो हमारा आंसर 1.2 to 1.3 के बीच में है, 1.25. ओके क्लियर है? क्लियर? लॉन्ग वॉल पैनल के बारे में हम बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में जंप करता हूँ. क्लास मैक्सिमम फॉक्स मतलब ऐसा नहीं है कि डिपेंड करता है आप रो बोल्टिंग किए हो कि नहीं, ऐसा साइट स्पेसिफिक कुछ है नहीं कि जैसे आपका वाइंडर का मैक्सिमम 10 होना चाहिए वैसे आपका रेगुलेशंस में तो कुछ है नहीं पिलर्स के बारे में, पिलर का फॉक्स इतना रहना चाहिए करके. ठीक है, रेगुलेशंस में आपका जैसे वाइंडर का हो गया, वाइंडर का जो रोप है उसका फॉक्स अराउंड मोर देन 10 होना चाहिए अगर मेन वाइंडिंग के लिए हो रहा है, मोर देन 8 होना चाहिए अगर मटेरियल वाइंडिंग के लिए हो रहा है. वैसा कुछ इसके लिए है नहीं पिलर के लिए कि फोर्स कितना होना चाहिए. ठीक है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ए लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग पैनल इज गिवन. लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग एंड लॉन्ग वॉल एडवांसिंग क्या मैं एक बार बता देता हूँ. राइट, जैसे कोल माइन में आपका बैरियर पिलर सेपरेट करता था, वहां पे हम क्या कर रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड एंड रूम्स बना रहे थे. राइट, बट इन दिस मेथड व्हाट विल डू बेसिकली, थैंक्स, इन दिस मेथड व्हाट डू वी डू बेसिकली, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा यहां से हम ड्राइव मारेंगे. राइट, यहाँ दोनों से ऐसे ड्राइव मारेंगे थोड़ी सी. पहले यहाँ पे दिस इज योर होल कोल बॉडी. ओके, यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसे कट करेंगे यहाँ पे बाय रोड हेडर मशीन. राइट, जो आपका आउट बाय और इन बाय बनाएगा, मतलब रिटर्न एंड इनटेक गेटवे बनाएगा, रिटर्न गेटवे और इनटेक गेटवे, उसका टर्मिनोलॉजी है, विल सी व्हाइल वी डिस्कसिंग लॉन्ग वॉल. राइट, तो जैसे जैसे ये गेटवे बनाता जाएगा वैसे वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे शील्ड सपोर्ट ऐसे लगा देंगे. बहुत सारा शील्ड सपोर्ट लगता है, आपको पता है इसमें लॉन्ग वॉल पैनल में. राइट, यहाँ पे हम ऐसे शील्ड सपोर्ट लगा देंगे, नीचे यहाँ पे आपका AFC कन्वेयर लगेगा. राइट, और यहाँ पे क्या रहेगा, कुछ यहाँ पे आपका टॉप व्यू से मैं दिखा रहा हूँ. ठीक है, ये आपका यहाँ पे ऐसे शियरर काम करेगा. राइट, ओके, दिस विल बी योर, ये गेट हमेशा क्या रहेगा, ये गेट जो है हमेशा जो फेस से थोड़ा आगे रहेगा. इफ दिस इज योर फेस देन दिस गेट शुड बी मोर एडवांस, मतलब यहाँ पे कुछ इस तरह का, मतलब यहाँ पे मैं कोल बॉडी बना रहा हूँ, इस कोल बॉडी को हाईलाइट कर रहा हूँ. देखो कैसे एक्चुअली है ये चीजें. एक्चुअली दिस इज योर कोल बॉडी, मतलब ये थोड़ा गेटवे ऐसे आगे रहेगा. राइट, दिस इज योर फेस, लॉन्ग वॉल माइनिंग फेस. ओके, तो जैसे जैसे ये आपका आगे बढ़ता जाएगा, क्या बोलते हैं, जैसे जैसे आपका
फेस आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो मेन गेट एंड टेल गेट है, सॉरी मेन गेट एंड टेल गेट बोलते हैं इसको, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द गेटवे फ्रॉम वेयर द मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड एंड वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट, ओके, हम उसको मेन गेट एंड टेल गेट में क्लासिफाई करते हैं, राइट। तो दिस विल बी द मेथड, ओके, दिस इज योर एडवांसिंग टाइप। मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एडवांस हो रहा है फेस, फेस एडवांस हो रहा है, दिस इज योर सीयरर, दिस योर सपोर्ट। अभी यहाँ पे फीडर ब्रेकर होगा, इस यहाँ पे फिर एक मेन आपका क्या होगा, अगर इसको और थोड़ा सा ये कर दें, थोड़ा सा बड़ा कर दें, राइट, लेट्स सपोज इतना दूर तक काम हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे दिस इज योर, अगर यहां से वेंटिलेशन, हम वेंटिलेशन को क्या करेंगे, ऐसा रखेंगे जिस तरफ से आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाहर की तरफ, मटेरियल यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके कुछ यहाँ से ऐसे बाहर जा रहा है, तो इस तरह भी आपका क्या हो, वेंटिलेशन का आउटवाय रहेगा, ठीक है, ताकि इनवाय रहेगा तो क्या होगा, जो भी डस्ट वहां से निकलेगा वो डस्ट लेके फिर वो एयर क्या होगा, फेस में आएगा, तो वो कुछ वैल्यू नहीं है, राइट, फ्रेश एयर हमको चाहिए फेस में, राइट। और ये वाला पोर्शन क्या होगा, दीज आर बेसिकली गोव्स, ओके, दिस इज योर गोव एरिया। तो जो फेस फेस ऐसे एडवांस करेगा, ओके, एडवांसिंग फेस, ओके, ये पूरा कहां तक एडवांस करेगा, कुछ यहां तक एडवांस करेगा, उसके बाद क्या होगा, राइट, यहां तक कुछ एडवांस करेगा, उसके बाद हम पूरा निकाल लेंगे, और पीछे ये क्या करता है, गोफ छोड़ते हुए जाता है, राइट, दिस विल बी योर गोफ, कोल माइनिंग अभी पढ़ाया नहीं गया है, सो आई एम ऑल्सो कवरिंग दिस थिंग्स सो दैट थोड़ा सा आपको आसान हो जाए, दिस इज योर गोफ बेसिकली, येलो जोन, ओके, बट इन ए रिट्रीटिंग पैनल व्हाट विल डू, वी विल फर्स्ट ड्राइव द होल, दिस इज योर, दिस इज योर फेस लेंथ, यहाँ पे ये वाला आपका फेस लेंथ है आपको पता है, राइट, इसका डायमेंशन जो भी है, राइट, हम लेट सपोज इतना बड़ा पैनल बना रहे हैं, एल इसको मैं ए दे रहा हूँ, राइट, ए और ज्यादा हो जाएगा, एल, ओके, इसको L1 दे रहा हूँ, राइट। तो अभी ये पूरा एल लेंथ तक एक्सट्रैक्ट होते होते क्या हो रहा है, वो एडवांस होते जा रहा है, तो जैसे ये पेस एडवांस होगा उसी हिसाब से यहाँ पे ये मेन गेट, दिस इज योर मेन गेट एंड आपका टेल गेट क्या होगा, मेन गेट और टेल गेट आपका क्या होगा, वहां से एडवांस होगा धीरे धीरे। बट इन अ रिट्रीटिंग पैनल क्या होता है, हम पहले पूरा होल होल बॉडी में क्या करते हैं, आपका मेन गेट एंड टेल गेट बना देते हैं पूरा लास्ट तक, ओके, और यहां से ये डायरेक्शन कैसे ऐसे एडवांस हो रहा है, अभी यहाँ पे एडवांस कुछ ऐसे होगा, राइट, मतलब पूरा फुल एल लेंथ तक हम बना देंगे। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे सील्ड सपोर्ट रहेगा, मतलब अपना समझ रहे हो ना, इस तरह अपन छोड़ दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम जब भी अंदर अंदर जा रहे हैं यहाँ पे गोफ छोड़ रहा है, राइट, और यहाँ पे स्टेबल ग्राउंड है, बट यहाँ पे गोफ बन रहा है, तो इसके ऊपर जो होगा वो रूफ वगैरह वहां पर स्टेटा कंट्रोल प्रॉब्लम आ सकता है, बट अभी हम क्या करें, यहाँ पे ऐसे पहले ही पूरा टोटल बना दिए हम, ठीक है, पीछे गोफ है और वर्किंग आगे जा रहा है, राइट, वर्किंग ऐसे जा रहा है और बाहर की तरफ, मतलब डिस्ट्रिक्ट के जो लोंगल पैनल डिस्ट्रिक्ट है, लोंगल डिस्ट्रिक्ट के लास्ट से हम क्या कर रहे हैं, बाहर तक आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे कुछ आपका कन्वेयर होगा, राइट, दिस इज योर कन्वेयर, यहाँ पे आपका होगा फीडर ब्रेकर, राइट, और यहाँ पे आपका एक ट्रंक लाइन कन्वेयर होगा जो कि आपका सामान को बाहर लेके आएगा, यहाँ पे आपका शियरर, राइट, ओके, यहाँ पे आपका शियरर लगा होगा, राइट, टेल गेट मेन गेट पहले से ही पूरा डेवलप हो गया। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि हमको पूरा ओवर बॉडी का आइडिया हो जाता है, जब अपन टेल गेट और मेन गेट पूरा डेवलप कर लेते हैं तो साइड से हम पूरा ओवर बॉडी का आइडिया ले लेते हैं, और मिथेन ड्रेनेज भी अपन लगा लेते हैं, तो
स्ट्रेटा से मीथेन भी पहले निकल जाता है. यहाँ पे तो हमको ओर बॉडी कैसे होगा अंदर पता नहीं है ना पहले से, बट इन दिस केस वी नो हाउ द ओर बॉडी इज राइट. तो यहाँ पे कुछ ऐसे रहता है पैनल जो वेंटिलेशन मतलब लॉन्गल डिस्ट्रिक्ट है. Okay, this is the core body. In this way, both the workings are going on. Longal advancing and longal retreating working. Okay. Okay, this is the what? This is the retreating one. और हम हमेशा क्या करते हैं? Retreating method ही prefer करते हैं, right? तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ लॉन्गल रिट्रीटिंग पैनल इज गिवन. लॉन्गल रिट्रीटिंग पैनल का इंफॉर्मेशन दिया, पैनल लेंथ दिया है 1800 मीटर, इसी जो 1800 मीटर फेस लेंथ कितना दिया है, इसमें जो फेस लेंथ दिया है 150 मीटर. डेप्थ ऑफ वेव, वेव का डेप्थ हमको पता है, शियरर जब कट मारता है राइट, वहां वेव का डेप्थ मतलब अपन ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मतलब जो वॉल्यूम अपन इसके लिए सब लेवल स्टॉक के लिए प्रोडक्शन का देख नहीं रहते, वैसे डेप्थ ऑफ वेव जो वेव का डेप्थ होता है, मतलब ये वाला पहले भी बता चुका हूँ बट स्टिल आई एम रिपीट कर रहा हूँ, शियरर इन वेव ऑफ डेप्थ, डेप्थ जो होता है ये वाला, मतलब बेसिकली उतना ही वॉल्यूम वो क्या करता है एक बार में कट कर पाता है राइट. मतलब उतना ये देखो मतलब शियरर क्या करेगा, दिस मच डेप्थ वो एक बार रोटेट करेगा, तो रोटेट करते हुए वो इतना वॉल्यूम कट करते हुए आगे जाएगा राइट. दिस इज योर दिस मच दिस दिस थिंग ओके लेट मी चेंज द कलर, दिस दिस इज द वेव डेप्थ, इतना वॉल्यूम वो काटेगा. मतलब हमको क्या पता चलेगा, उसका लेंथ पता चल गया, उसका ब्रेड्थ पता चल गया, और एक बार में कितना काट रहा है 3D में अगर देखें तो लेंथ पता चल गया, उसका ब्रेड्थ पता चल गया राइट, और एक बार में वो कितना काट रहा है वो भी पता चल गया राइट. तो हमको बेसिकली यहां से प्रोडक्शन पता चल रहा है राइट, क्लियर है. यहां से हमको क्या पता चला, कितना दिया है ये डेप्थ, ये दिया है आपका 0.6 मीटर, 0.6 मीटर, ये आपका दिया है 150 मीटर ओके, एंड दिस होल लेंथ इज 1800 मीटर ओके. शियरर ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर मिनट, मतलब ये जो शियरर यहाँ पे ऐसे ट्रैवल कर रहा है इसका स्पीड क्या दिया है u, इसका स्पीड दिया है 1.5 मीटर पर मिनट अलोंग द फेस. ईच कटिंग साइकिल रिक्वायर्स इन नॉन ऑपरेशनल टाइम ऑफ 2 hours 20 minutes, इतना डाउन टाइम चाहिए. द पैनल इज फुली एक्सट्रैक्टेबल, नंबर ऑफ वर्किंग डेज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट द पैनल. तो पहले पैनल में कितना माल है वो कैलकुलेट कर लेते हैं राइट. यहाँ पे एक चीज मिसिंग लग रहा है, यहाँ पे पैनल फेस लेंथ दे दिया है राइट. ओके, लेट कोल का थिकनेस हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं एच, लेट कोल थिकनेस इज 1 meter एज्यूम कर लो, क्योंकि वॉल्यूम चाहिए ना हमको प्रोडक्शन के लिए. कोल थिकनेस इज 1 meter, अगर साइड व्यू से देखें तो कोल थिकनेस इज बेसिकली 1 meter. तो हमको कितना प्रोडक्ट टोटल कितना एक्सट्रैक्ट करना है, मटेरियल टू बी एक्सट्रैक्टेड एक्सट्रैक्शन करना कितना है, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन कितना करना है, 1500 मीटर का पूरा लेंथ है पैनल का, जो लेंथ है ये 1800 मीटर है राइट, ये आपका 1800 मीटर का पूरा लेंथ है, और उसका फेस लेंथ कितना है 150 मीटर इनटू राइट, ये आपका सिम का डेप्थ, सिम का हाइट है 1 meter, मैं यहाँ पे एज्यूम किया हूँ दिस इज योर सिम ओके. और ये यहाँ पे पूरा ऐसे लेंथ होगा, ये लेंथ पूरा कंटिन्यू होगा कितना दूर तक, 1800 मीटर तक ओके. एक बार में वो इतना वॉल्यूम काट रहा है, ये जो क्यूब का वॉल्यूम है ये वॉल्यूम राइट. तो 1500 1800 इंटू 1 दिस मच मीटर क्यूब वो
एक्सट्रैक्शन करना है हमको, ठीक है। और इसका अपन प्रोडक्शन टाइम कैलकुलेट करते हैं इस कटिंग साइकिल। हाँ, साइकिल टाइम कितना लग रहा है कटिंग में, तो ये कितना मीटर है, 150 मीटर है। कितना स्पीड से वो कट मार रहा है, वो मार रहा है अराउंड 1.5 मीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट में। तो एक बार कट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है उसको, 150 डिवाइडेड बाय 1.5, इतना मिनट, राइट। हाउ मच दिस इज 10, 100 मिनट लग रहा है उसको पूरा फेस कट करने के लिए, राइट। तो 100 मिनट में वो कितना वॉल्यूम एक्सटेंड कर रहा है, 0.6 उसका डेप्थ है, इनटू ये अपन हाइट कितना लिया है सिम का, 1 मीटर लिए हैं, एज्यूम किए हैं, इनटू 150, आप एक्स एज्यूम करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हाउ मच दिस इज दिस मच, इतना मीटर क्यूब वो प्रोड्यूस कर रहा है कितना मिनट में प्रोड्यूस कर रहा है। अभी इसका ये देखते हैं, अभी हमको पूछा गया कि कितना नंबर ऑफ वर्किंग स्टेज चाहिए, ठीक। तो अभी एक बार वो यहां से यहां तक कॉट कर लेगा, उसको रेस्ट कितने आवर का चाहिए, 2 आवर 20 मिनट का रेस्ट चाहिए, ओके। मतलब टोटल कितने आवर हो गए, मतलब सॉरी यहाँ पे बोला गया कि ईच कॉटिंग साइकिल रिक्वायर्स ए नॉन ऑपरेशनल टाइम ऑफ 2 आवर 20 मिनट ईच कॉटिंग साइकिल, ओके। तो अभी हम सोच लेते हैं उसका पूरा साइकिल टाइम कितना है, 100 घंटा प्लस 140 मिनट का, 100 मिनट प्लस 140 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम, राइट, वो चाहिए नॉन ऑपरेशनल टाइम। दिस इज योर टोटल साइकिल टाइम ऑफ द शियरर, और इतने टाइम में वो कितना वॉल्यूम एक्सटेंड कर रहा है, 0.6 इंटू 1 इंटू 150, इतना मीटर क्यूब, ओके, राइट। तो अभी हम इसका प्रोडक्शन देख लेते हैं, मीटर क्यूब पर आवर में भी हम लिख सकते हैं, मीटर क्यूब पर आवर में, राइट। तो हाउ मच दिस इज 240 मिनट, ओके। तो अभी प्रोडक्शन इसका कितना है सीआरआर का, मीटर क्यूब पर आवर में, एक कॉट में कितना, मतलब यहाँ बस डिवाइड कर दो कितना टाइम लग रहा है कॉटिंग के लिए, 0.6 इंटू 1 इंटू 150, इतना मीटर क्यूब काटने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, 240 मिनट लग रहा है, राइट। इतना मीटर क्यूब करने के लिए, मिनट को आवर में कनेक्ट के लिए 60 मिनट बराबर 1 आवर, राइट, मिनट मिनट कट गया 4, ओके, 150 इंटू दिस मच मीटर क्यूब पर आवर आ गया, राइट। अभी इतना टोटल एक्सट्रैक्शन करना है, इतना एक्सट्रैक्शन के लिए कितना आवर लगेगा, आवर्स रिक्वायर्ड, इतना एक्सट्रैक्शन के लिए देखते हैं, 1800 इंटू 150 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू 1 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 4, दिस मच आवर्स इट रिक्वायर्स, कैलकुलेट इट, 1800 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू 150, ऊपर आपका आ जाएगा इंटू 4, 12,000 आवर्स लग रहा है इसको। हाउ मच डेज, 12,000 डिवाइडेड बाय 24 आवर्स बराबर 1 डे डिवाइडेड बाय 24, 500 दिन लग रहा है, गलत है कुछ कहीं, राइट, कुछ गलत है, मैन गेट ट्रिगर, हाँ बंद हो सकता है वहां पे एडवांसिंग टाइप में, ठीक है। एंड कितना दिया है यहाँ पे आंसर, कितना दिया है, 500 दिया, ठीक है, करेक्ट है, फिर मेरे को लगा गलत है, ठीक। तो यहाँ पे कितना डेज आ रहा है, 500 डेज, दिस इज योर सॉल्यूशन, ओके। इन दिस वे कैलकुलेशन इज, बस सिंपल बेसिक नॉलेज है, कट कर रहा है मेथड के बारे में थोड़ा आइडिया है तो आप क्वेश्चन बना सकते हो, राइट। एंड ऑल दिस क्वेश्चन ऑल्सो डिस्कसिंग इन द मेथड क्लास, नो नीड, यहाँ पे तो हम कर रहे हैं डिस्कशन, राइट, वहाँ पे बस कैसे वो देख लेंगे तो भी बहुत है, ठीक है।
अभी आपका क्लास है क्या 4 बजे से? चार बजे से क्लास है क्या आप लोगों का जो रेगुलर कर रहे हैं? ओके ग्रेट, तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं। ऑपरेटिंग अलोंग 1500 मीटर लॉन्ग इंक्लाइन, ओके, वन इज हॉल्ट इन 7 आवर्स। सिंपल चीजें हैं ये, बस लोड करते जाइए। वन इन 7 आवर्स, ओके। द एवरेज रोप स्पीड, रोप वॉलेज कैसे रहता है? ये आपका इंक्लाइन हो गया, राइट। रोप वॉलेज के लिए यहाँ पे एक रोप लगा होगा, राइट। लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ भी नंबर ऑफ टॉप्स है, राइट, नंबर ऑफ कनेक्टेड है, ओके। यहाँ पे ऐसे सीप वगैरह लगा होगा, राइट। जो भी है, जैसे भी अरेंजमेंट रहता है, यहाँ पे विंच रहेगा, राइट। इसको मोटर मिलता होगा, राइट, मोटर के साथ एक कपल होगा, ठीक है। डिसीजन मोटर के साथ एक कपल होके यहाँ पे विंच घूरता रहेगा, यहाँ पे ब्रेक्स वगैरह सब अरेंजमेंट रहेगा, राइट। सिंगल ड्रम हैंडल है ये, राइट। दिस इज द इंक्लाइन, ओके। तो यहां पे इन्हें डायरेक्ट रोप वॉलेज, इन्हें डायरेक्ट रोप वॉलेज ऑपरेटिंग 1500 मीटर इंक्लाइन, राइट, 1500 मीटर इंक्लाइन, एक बार 7 आवर्स में कितना कर रहा है? 180 टन ऑफ कोल। ये रोप जो है, ये रोप ही इसको पुल करता है, दिस इज योर रोप, राइट, दिस इज योर होल रोप। ये रोप क्या करता है, यहाँ पे रोप वॉलेज है, ये रोप क्या करेगा, इसको पुल करेगा, दिस इज योर विंच, या फिर आप बोलते हैं ड्रम, राइट, दिस इज योर ड्रम, राइट, दिस इज योर रोप, ओके। ये रोप का स्पीड कितना है? रोप स्पीड इज बेसिकली 7.5 किलोमीटर पर आवर, ओके। द सेट चेंजिंग टाइम फॉर टॉप्स इज 2 मिनट, राइट, एट ईच एट द टॉप एंड द बॉटम इनक्लाइन। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी, हाँ, तो जैसे जैसे रोप वॉलेज ऊपर जाता है, वैसे वैसे क्या करता है ये, वहां पे जो आपका एक केपल होता है, जहां से वो रोप से अटैच होने के लिए केपल यूज करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केपल, तो जब उसको केपल केपल को हम अनलॉक कर देते हैं, तो वो क्या होता है, जो ये रोप हम कंटिन्यूअसली वाइंडिंग में रहता है, राइट, ये वाइंडिंग में रहेगा, राइट, वाइंडिंग में रहेगा, तो हम जब केपल को यहां से डिचेक्ट कर देंगे, वो क्या होता है, दूसरे ट्रैक में उसको ले जाके फिर अनलोड करते हैं, फिर लाके उसको क्या करते हैं, केपल में हम लगा देते हैं, राइट, दिस इज ए डायरेक्ट रोप वॉलेज, ओके। वैसे एंडलेस रोप वॉलेज में क्या हो रहा है, पूरा कंटिन्यूअस लाइन रहता है, राइट, वो सब आप मशीनरी में पढ़े होंगे। तो द सेट चेंजिंग टाइम फॉर द टॉप इज 2 मिनट्स ईच एट द टॉप एंड द बॉटम एंड। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ तक जब वो आ जाएगा, यहाँ से फिर उसको केपल को डीकेपल कर देंगे, राइट, केपल उसका हटा देंगे, तो वो ये जो मूविंग रूप है, ये मूविंग रूप से वो हट जाएगा, हम फिर उसको लोडिंग पॉइंट कहीं पे यहाँ पे होगा, लोडिंग पॉइंट में लाके उसको लोड करके फिर यहाँ तक ऐसे प्रेस करके लाके फिर यहाँ पे केपल में लगा देंगे, तो फिर वो ऊपर तक हॉल होके चला जाएगा, राइट। वैसे ही यहाँ पे एक कहीं पे ऑनलोडिंग पॉइंट होगा, ऑनलोडिंग पॉइंट, तो वो पॉइंट में हम क्या करेंगे, जब यहां तक आएगा उसको डीकेपल कर देंगे, और उसको फिर खींच के हाथ से ले जाके फिर एक जगह अनलोड करके फिर लाके यहाँ पे लगा देंगे, ताकि वो नीचे जा सके, राइट। इन दिस वे द ऑपरेशन आर गोइंग ऑन, ओके। तो यहाँ पे हमको द सेट चेंजिंग टाइम फॉर टॉप्स इज 2 मिनट्स ईच एट द टॉप एट बॉटम। मतलब यहाँ पे भी 2 मिनट लग रहा है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 2 मिनट लग रहा है, ओके। तो हमको निकालना है इफ द टॉप कैपेसिटी, ये एक टॉप का कैपेसिटी अगर 1 टन है, द नंबर ऑफ टॉप्स इन ईच सेट। तो यहाँ पे सेट ऑफ टैप्स टॉप्स रहेगा, राइट, एक सेट में तो प्रोडक्शन नहीं दिखा सकते हम। तो अभी यहाँ पे हमको बेसिकली क्या फाइंड करना है,
इसका साइकिल टाइम निकालना है। हमको यहाँ पे दिया है कि 180 टन निकाल रहा है वो सेटअप, जो सेटअप हुआ है वहां पे रो पॉलिश का डायरेक्ट, वो 7 घंटा में 180 टन निकाल रहा है, राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम इसका साइकिल टाइम निकालते हैं। तो साइकिल टाइम का मीनिंग क्या है बेसिकली? साइकिल टाइम का मीनिंग है कि जब जब क्या ये टब यहाँ पे लोड होगा, राइट, उसके बाद ऐसे हॉल करेगा, यहां से जाएगा जाएगा यहाँ पे, फिर 2 मिनट लगेगा चेंज करने के लिए, फिर अनलोड करेगा, फिर आके फिर यहाँ तक। अनलोड का हम नहीं देख रहे हैं कि क्या है, कितना डिस्टेंस है, वो हम वहीं पे 2 मिनट का ही पूरा टोटल टाइम ले रहे हैं। फिर नीचे आएगा यहाँ तक, राइट, और यहाँ पे फिर लोडिंग करने के लिए जाएगा, राइट। तो दिस इज द होल साइकिल टाइम। तो कौन सा कितना कितना टाइम यूज हो रहा है वो देखो, यहाँ से यहाँ तक चढ़ने के लिए कितना टाइम लग रहा है उसको, 1500 मीटर। स्पीड कितना है? 77.5 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड करने के लिए क्या करेंगे, 5/18, राइट। दिस इज योर दिस मच मीटर पर सेकंड, इतना आपका स्पीड ऑफ रोप है। तो 37.5 डिवाइडेड बाय 18, राइट, मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगा आपका सेकंड में। बाकी सब मिनट में दिया है, तो सेकंड में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1/60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट, राइट। तो ऊपर जो सेकंड जाएगा, सेकंड सेकंड कट जाएगा, डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, तो कैलकुलेट करो, 1500 डिवाइडेड बाय 37.5 इंटू 60, ऊपर आपका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट समझो क्या है एक्चुअली, होता कैसे। यहाँ पे आपको लग रहा है 12 मिनट लग रहा है, 12 मिनट तक ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा 12 मिनट, वहां पे 2 मिनट चेंजेस करके अनलोड करके फिर 12 मिनट रिटर्न आएगा नीचे, ओके, 12 मिनट में फिर रिटर्न आएगा नीचे, और यहाँ पे फिर लोडिंग के लिए वो रेडी हो जाएगा, राइट। सेट चेंजिंग टाइम, ओके, ठीक है, लोडेड चलेगा, हाँ। मतलब टोटल साइकिल टाइम कितना हो गया इसका, साइकिल टाइम हो गया 2 मिनट। पहले ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, सोचो यहाँ से स्टार्ट करेगा, लोडेड है, लोडेड है, कैपल भी है, कैपल्ड भी है, तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, ऊपर तक जाएगा कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है, ऊपर 2 मिनट लगेगा, फिर 12 मिनट नीचे आ रहा है, और नीचे फिर 2 मिनट लग रहा है वो डीकेबल करके लोडिंग पॉइंट तक लाने के लिए, राइट, और लोड वगैरह करके फिर से यहाँ पे लगाने के लिए 2 मिनट लग रहा है। तो बड़ा बड़ा 24, 4, 28 मिनट टोटल लग रहा है इसको साइकिल टाइम इसका, राइट। 28 मिनट में हम क्या कर रहे हैं कि लेट सपोज यहाँ पे एन नंबर ऑफ टॉप्स है, हम सोच रहे हैं यहाँ पे, हम बोल रहे हैं कि लेट सपोज यहाँ पे एन नंबर ऑफ टॉप्स है, राइट। अगर एन नंबर ऑफ टॉप्स है यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे कितना 28 मिनट में कितना वो ऊपर लेके छोड़ रहा है, n into 1, इतना टन कितना टाइम में ले रहा है, इतना ले रहा है 28 मिनट में ले रहा है, राइट, 28 मिनट में इतना ले रहा है, ओके। तो अभी हमको क्या करना है बेसिकली, 180 टन इन 7 आवर्स देखना है, राइट। आप सबको समझ में आ रहा है तो मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, सर नो परचेस ने किया है 12 टब, ओके ग्रेट, आप लोग बना के आए हो, क्वेश्चन बहुत सही है, राइट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको चाहिए 180 टन प्रोडक्शन चाहिए कितने में, 7 आवर्स में। हम कितना कर रहे हैं, 28 मिनट में कर रहे हैं, 28 मिनट में कितना कर रहे हैं, n इंटू 1 टन कर रहे हैं, राइट, n नंबर ऑफ टॉप्स है, राइट, n इंटू 1 टन कर रहे हैं अपन 28 मिनट में, राइट। तो अभी 7 आवर्स में कितना प्रोडक्शन दे रहा है ये वाला, उसको बराबर कर देंगे 180 के साथ, 28 डिवाइडेड बाय 60, इतना आवर इंटू 7, दिस मच आवर्स में कितना काम करेगा n, यहाँ पे इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, सॉरी यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे, तो दिस मच आवर में कितना वो लोड करेगा, 28 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 7, मैं रुको यूनिटरी मेथड पूरा लगाते हैं, राइट, 28 मिनट में वो कर रहा है कितना, 28 मिनट में कर रहा है n टन, राइट,
तो 1 मिनट में करेगा कितना, एन डिवाइडेड बाय 28 टन। ओके, 3 डेज दे रहा हूँ। 1 आवर में कितना करेगा, 1 आवर में करेगा एन डिवाइडेड बाय 28 इंटू 1 आवर में, 1 आवर मतलब 60 मिनट में, यहाँ पे 60 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 आवर, तो इंटू 60 इतना टन करेगा। अभी क्या है, 7 आवर्स में प्रोडक्शन कितना दिखाना है हमको, एन डिवाइडेड बाय 28 इंटू 60 इंटू 7। ओके, इतना टन हमको प्रोडक्शन दिखाना है, राइट। तो एन इंटू 60 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 28 इज इक्वल टू 180, बिकॉज और इतने का वैल्यू क्या है, 180 टन है, इतना दिखा रहा है वो। तो एन का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा कितना, कैलकुलेटेड, कहीं गलत हुआ तो लेट मी चेक, बिकॉज मैं इसको तैयार करके नहीं आया हूँ क्वेश्चन वगैरह आज, बस आके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मैं यही हूँ एमसीएल में। आई थिंक आज मेरा ऑर्डर आ जाएगा, कहाँ मेरे को लोकेशन देगा करके। दिस इज योर 12, राइट। तो हमको कितना चाहिए, 12 नंबर ऑफ टॉप्स चाहिए, राइट। 12 नंबर ऑफ टॉप्स अगर यहाँ पे लगा के हम काम करेंगे इस डायरेक्ट रो कॉलेज में, तो हमको क्या होगा, डिजायर प्रोडक्शन मिल पाएगा, राइट, जो कि 180 टन इन 7 आवर्स है, राइट। क्लियर है यहाँ तक? ओके, बाकी सबको क्लियर है? क्विकली गाइस, क्विकली आई विल डिस्कस और वन टू और दो क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहता हूँ। ये तो बहुत लेंदी खींचेगा भाई, ये वाला, ये वाला, ये एक्चुअली आप लोग पढ़े पढ़े होंगे कि नहीं पता नहीं। दो मेथड होते हैं, एक फॉलिंग हेड, ये कॉन्स्टेंट हेड मेथड, बोथ आर फॉर डिफरेंट मटेरियल्स ऑल्सो। सो ओके, राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एसडीएल ऑफ 1 टन कैपेसिटी ऑपरेट्स विद अ साइकिल टाइम ऑफ 6 मिनट। कैपेसिटी कितना है बॉकेट का, 1 टन, साइकिल टाइम कितना है, 6 मिनट। डायमेंशन ऑफ फेस कितना दिया है, साइड एसडीएल मतलब साइड डिस्चार्ज लोडर, राइट। फेस जब भी बना रहे हो, मैं तो 3D बना देता हूँ मेरे कन्वीनियंट के लिए, अच्छे से समझ में आए करके, राइट। ओके, दिस इज ए फेस, यहाँ पे आपका कुछ एसडीएल है, राइट, बॉकेट लेके अपना खड़ा है, राइट। ओके, दिस इज योर एसडीएल, एसडीएल कुछ इस तरह दिखता भी है, राइट, आप देखे होंगे तो, ना मोटा मोटा चक्कर रहता है इसका, ठीक है। दिस इज बेसिकली योर एसडीएल, ओके, एसडीएल है। अभी एच डी एल क्या कर रहा है, एच डी एल ऑफ 1 टन कैपेसिटी ऑपरेट्स विद साइकिल टाइम ऑफ 6 मिनट, 6 मिनट है। डायमेंशन ऑफ फेस यहाँ पे दिया गया है, फेस का डायमेंशन कितना दिया गया है, 4 बाय 3 मीटर, ये 4 मीटर है, 3 मीटर है, 4 बाय 3 मीटर डायमेंशन ऑफ फेस दिया है, ये फेस का डायमेंशन दिया गया है। राइट, ओके, एट फेस का डायमेंशन दिया गया है। 5 ब्लास्ट आर कंडक्टेड पर शिफ्ट, मतलब 5 ब्लास्ट पर शिफ्ट। ये सब बहुत ही ट्रिवियल क्वेश्चन है, अच्छे से इसको समझो, ये सब क्वेश्चन पूरा निकाल के आना, ठीक है। और 1 ब्लास्ट में कितना हो रहा है पुल, पुल मतलब कितना अंदर तक फट रहा है वो, राइट। 1 ब्लास्ट में कुछ इतना अंदर तक वो फट रहा है, मतलब दिस इज योर कमिंग टू बी 1.2 मीटर पुल आ रहा है, पुल मतलब उतना हमको प्रोडक्शन मिल रहा है 1 ब्लास्ट से। प्रोडक्शन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज अपन का गैलरी का ये हाइट और विड्थ तो पता है हमको, राइट, ये तो हमको पता है फेस के पैरामीटर, राइट, दिस इज योर फेस पैरामीटर, ओके। ये फेस का पैरामीटर तो हमको पता है। अभी 1 ब्लास्ट में क्या हो रहा है, जब एक बार ब्लास्ट करेंगे, एक बार जब ब्लास्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या हो रहा है आपका, बेसिकली यहाँ पे
कुछ इतना आपका फटता है, इतना राइट, इतना फट रहा है, इतना अपने पास आ रहा है, तो यहां से जो ये डेप्थ इतना फट रहा है तो वो पूरा होल फेस को लेके फटेगा राइट। तो यहां से हमको क्या मिल जाता है, वहां से हमको मिल जाता है वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम वो एक्चुअली वहां से फट रहा है ठीक है। तो ये वॉल्यूम आपको हमेशा कैलकुलेट करना रहेगा। तो यहाँ से वॉल्यूम क्या होगा, इन ईच ब्लास्ट 4 × 3 × 1.2 दिस मच मीटर स्क्वायर आपका वॉल्यूम रहेगा एक ब्लास्ट में, एक ब्लास्ट में आपका इतना वॉल्यूम निकल रहा है ठीक, क्लियर है। तो अभी कितना ब्लास्ट हो रहा है, 5 ब्लास्ट हो रहा है एक शिफ्ट में। तो एक शिफ्ट का प्रोडक्शन हम दिखा सकते हैं यहाँ से कैसे, 5 × दिस मच मीटर क्यूब, दिस इज इन मीटर क्यूब नॉट मीटर स्क्वायर, दिस मच मीटर क्यूब प्रोडक्शन है एक शिफ्ट में ओके। यहाँ पे अगर डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दें, ब्लास्टेड कोल का डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बेसिकली किसमें प्रोडक्शन आएगा, टन पर शिफ्ट आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, तो इजी है, टन पर शिफ्ट आ जाएगा ओके। तो हाउ मच इज योर डेंसिटी, 5 × 4 × 3 × 1.2 डेंसिटी इज गिवन 0.8 ब्लास्टेड कोल का, 0.8 ब्लास्टेड कोल का हमको क्यों चाहिए, बिकॉज हम जब लोड कर रहे हैं पॉकेट में ना, तो उस टाइम हम यहाँ पे स्वेल फैक्टर नहीं दिया है ना, इसीलिए हमको जो लूज डेंसिटी दिया है, मतलब आप पर ब्लास्टिंग उसका डेंसिटी क्या हो रहा है वो दिया है, क्योंकि बॉकेट का स्वेल फैक्टर नहीं दिया है, क्योंकि आफ्टर ब्लास्टिंग मटेरियल गेट स्वेल, पर स्वेल हो रहा है तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है फॉर द सेम गिवन मास, मतलब उसका डेंसिटी घट रहा है, डेंसिटी मास में वॉल्यूम, क्लियर। तो इसीलिए यहाँ पे हमको क्या, ब्लास्टेड कोल का वॉल्यूम दिया। द टाइम रिक्वायर्ड बाय द एसडीएल इन द शिफ्ट टू लिफ्ट ऑल प्रिपेयर्ड कोल इन आवर्स इज, तो एसडीएल को कितना टाइम लगेगा एक शिफ्ट में, पूरा एक शिफ्ट में फटाने ब्लास्ट करने से दिस मच टर्न आपको मटेरियल मिल रहा है, इसको कैलकुलेट करो कितना है, 5 × 4 × 3 × 1.2 2.8 दिस इज कमिंग आउट टू बी 57.6 दिस मच टन पर शिफ्ट, इतना मटेरियल हमको मिल रहा है। अभी एसडीएल का प्रोडक्शन हम कैलकुलेट करते हैं, ये आवर में कैलकुलेट करने के लिए दिया है, टाइम कितना लगेगा बोल के। एसडीएल का प्रोडक्शन कितना, टन पर आवर में क्या रहेगा, बकेट कैपेसिटी, बकेट फिल फैक्टर, स्वेल फैक्टर कुछ दिया नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, टाइम इन मिनट दिया है तो ऊपर हम क्या करेंगे 60 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टन पर आवर में आ जाएगा। तो 1 ton / 6 × 60, तो दिस इज कितना इजी डिजिट्स दिए हैं राइट, 60 दिस इज कमिंग अप टू बी 10 टन पर आवर, एक घंटे में 10 टन वो कर रहा है काम, 10 टन निकाल सकता है। तो शिफ्ट में जितना ब्लास्टेड हुआ है मटेरियल उसको निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा, 57.6 / 10, तो इट इज अराउंड 5.76 आवर्स ओके। आंसर किस फॉर्म में, कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, कितना डेसिमल तक लेना है, क्या करना है, कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, 5.76 आवर्स दिस इज योर आंसर क्वेश्चन नंबर 43। 5.76 to 5.8 के बीच में, 5.76 ओके, क्लियर है, क्लियर है क्वेश्चन। ये टर्न पर आवर नहीं है भाई, जो ये निकाल रहे हो 5.76 इज योर ओनली आवर, दैट मच आवर इट रिक्वायर्ड ओके। तो ओके, I think I will close now. Okay, I have also just let me finish this question also. Okay, then only few easy questions will be there. This is also easy question, but before dive into this question, I want to discuss with you some theory regarding this problem. Okay. वो तो बहुत इजी क्वेश्चन है, उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आप बना लेंगे एक बार, थ्योरी थोड़ा आपको पता चल जाएगा। तो ओके, जस्ट गिव मी वन मोमेंट, वन सेकंड।
ओके हेलो अगेन एंड दिस इज योर टॉप व्यू. ओके रिमेम्बर दिस इज योर टॉप व्यू. टॉप व्यू मतलब ऊपर से हम देख रहे हैं राइट. साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा, वैसा सीन रहेगा. ये सीन है राइट. दिस इज योर टॉप व्यू. ओके आर यू गाइस आर हियर ऑल. सर प्लीज थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लिखिए ना, बाद में समझ में. सी प्लीज डोंट, ऐसा मत सोचो कि मैं रूड हूँ, बट इतना बता रहा हूँ तो आप खुद लिखो ना, थोड़ा टाइम तो दे रहा हूँ ना. जस्ट नाइट रोट इट डाउन बाय योर सेल्फ. व्हाई डू आई नीड टू राइट इट स्टेप बाय स्टेप? इट्स माय चॉइस व्हाट आई विल राइट. ओके ऐसे आप सी आपको मिल रहा है सी हमारा अभी सी मेरा मेरे को अभी ऑफिस जाना है, फिर यहाँ काम खत्म करके. न्यू गाइज आर लाइक दैट ओके सर फिर ये करो वो करो, हम कर रहे हैं ना राइट. सी आपको पता नहीं है कि कितना मेहनत लगता है ये करने के लिए, एक एक पेपर डिस्कस करने के लिए. मतलब कितना थ्योरी हम डिस्कस किए हैं. जस्ट सी कहीं कोल माइनिंग में घुस रहे हैं, कहीं आपका जियो स्टैटिस्टिक्स में मतलब ये स्ट्रेटा कंट्रोल में घुस रहे हैं राइट, कहीं रॉक मैकेनिक्स में अभी घुसेंगे राइट. तो आप खुद से भी थोड़ा मेहनत करो ना, समझ रहे हो वैभव जी? यू डू समथिंग बाय योरसेल्फ आल्सो. आप नोट करो खुद अच्छे से. अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपको पता है कि कौन सा स्टेप किसके बाद है, सर कौन सा स्टेप किसके बाद लिख रहे हैं राइट. स्पून फीडिंग के भरोसे कभी मत रहना, यू विल नेवर गेट सक्सेसफुल इन योर लाइफ. डोंट ऑलवेज स्टैंड, क्या बोलते हैं, स्पून फीडिंग, उसके भरोसे कभी मत बैठना. आई एम टेलिंग यू नो वन विल गेट यू स्पून फीडिंग इन योर रियल लाइफ. ओके खुद करना पड़ेगा सारी चीजें राइट. सो जस्ट आप खुद करो थोड़ा बहुत. अभी मैं ये बता रहा हूं तो कोई जाके देखता है इसका रिलेटेड थ्योरी और एक बार कि सर ये बताएं, तो चलो एक बार और देख लेते हैं कि हाँ क्या एक्स्ट्रा सीखने को मिला, क्या हमको पता था. कोई नोट डाउन करते हो? डू देट. अगर वो आप करोगे ना, आपका थ्योरी कितना बड़े. सी गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर लाइक सारा थ्योरी को ये लोग टच किए, इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं बन सकता किसी भी एग्जाम के लिए, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट करने के लिए. मतलब बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन से बनाते हैं, पूरा पूरा एक साल लेते हैं एक क्वेश्चन सेट बनाने के लिए. पूरा छांट छांट के इच एंड एवरी टॉपिक कवर होता है, वैसा क्वेश्चन गेट में बनता है. तो दिस गेट प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन इज लाइक द रूट, मतलब इट इज ऑटमोस्ट नेसेसरी फॉर यू गाइस. एंड नॉट ओनली डूइंग द सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड विजुअलाइज द प्रॉब्लम कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्या एक्चुअली क्वेश्चन दिया क्या है. बस हाँ ये यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करें, नो नॉट लाइक दैट. क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा, देन यू विल फिनिश्ड. ओके सो सी अभी मैं यहाँ पे आपको ये बताया, इसमें मेरे को सारा चीज पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करता है. कहीं पे भी थोड़ा सा एक दो, यहाँ पे मैं एक बार दो ऐड करना भूल जाऊंगा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा. समझ रहे हो? जस्ट ट्राई टू लर्न. इसीलिए मैं ये एक्चुअली विनोद सर को बोला कि लेट सर डू समथिंग लाइक दैट, कि गेट का प्रीवियस डिस्कस करते हुए हम क्या करते हैं ना, बच्चों को बेसिकली हम सिखाते हैं कि थ्योरी भी क्या क्या है उसके बिहाइंड. तो व्हाइल यू आर सॉल्विंग वन प्रॉब्लम, ऑल द थ्योरीज मस्ट बी गोइंग इन योर बैक, इन योर बैक ब्रेन. वो सब थ्योरी रन होना चाहिए, ईच एंड एवरी थ्योरी. ओके उतना अपने दिमाग को शार्प करो, इट विल हेल्प यू इन क्रैकिंग एनी एग्जाम, नॉट दिस एग्जाम. आई मिस्ड दिस चांस सोम हाउ इन माई जे मेन्स टाइम. आई वॉज वेरी मच फिकल एट दैट टाइम एंड आई वॉज लाइक आई डोंट केयर अबाउट माई लाइफ, जस्ट ओके गो विद द फ्लो टाइप का था. घूम रहे थे फिर रहे थे मजे कर रहे थे उस टाइम. थोड़ा बहुत वो भी चलता है, आप लोग को पता है सब सब तो लौंडे ही हैं यहाँ पे राइट. सबको पता है क्या सब होता है. ट्वेल्थ क्लास जस्ट हुए थे, पूरा हॉस्टल लाइफ था मेरा. लाइक मैं क्लास सिक्स से हॉस्टल से हूँ ट्वेल्थ तक. 12th के बाद जब निकला वहां से, उस टाइम कोई गाइड करने के लिए कुछ नहीं है, चलो सब दौड़ चले, चलो मेडिकल नहीं करना है तो चलो इंजीनियरिंग करते हैं. मेडिकल करने के लिए घर में बोल लेते हैं, बट ड्यू टू
मेरा इंटरेस्ट नहीं था तो मैं नहीं किया, वो अलग बात है। इंजीनियरिंग कर ले, इंजीनियरिंग कोचिंग दे देगा, वहां जाके घूम रहे हैं हम बाहर, घर से छुट्टी मिले, मतलब जे हॉस्टल से छुट्टी मिला है इतने दिन 7 साल के बाद, समझ रहे हो, कुछ पढ़े नहीं कुछ नहीं उस टाइम, ऐसे हम किए। बट व्हाट आई लर्न फ्रॉम देयर कि चलो अभी नहीं, एक बार गलती हुआ है दूसरे बार नहीं करना है गलती, अच्छे से करना है। अभी जो भी आगे जो भी एग्जाम देना है या जो भी करना है ना लाइफ में, अच्छे से शिद्दत से करना है पूरा। दैट व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय फेल्योर इन द प्रिपरेशन टाइम। ओके, मोस्ट ऑफ यू गाइस राइट इन माइनिंग, हमारे स्कूल में कॉलेज में थे कि उन लोगों को उनका प्रिफरेंस नहीं मिला बोल के। सी मैं आई प्रिफर माइन सिविल ओवर माइनिंग, दैट फॉर श्योर, बट इफ आई विल गेट मैकेनिकल देन मे बी आई विल गो फॉर मैकेनिकल। ओके, आपको सिर्फ क्वेश्चन पर तो अब तक कंप्लीट हो जाता। हाँ वो तो है, हाँ वो जल्दी कंप्लीट हो जाता क्योंकि वहाँ पे बस मेरे को ये डिस्कस करना रहता, मतलब लाइक आपको बस सॉल्यूशन क्या है। राइट, तो थ्योरी आप थोड़ा, क्योंकि ये क्लासेस ना आपका जनवरी मिड तक भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हर रोज कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। और सब लोग तो वैसे भी लगा, आप सी आप लोगों को वैसे भी लगा लेना चाहिए गेट प्रीवियस ईयर, डोंट वेट फॉर द क्लास टू बी कंटिन्यू। क्लास तो चलता रहेगा, क्लास से आप वो सब चीजें रिकॉल होता रहेगा, थ्योरी वगैरह वो सब रिकॉल होता रहेगा। दिस इज ए बूस्टर कोर्स टाइप ऑफ थिंग। ओके राइट, ठीक है बढ़िया। ओके चलो ये क्वेश्चन लास्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं एंड वील क्लोज दिस सेशन। राइट, और वो जो यूसीएम में है आपको मैं बोला था कि चलो आज ये कर लो, थोड़ा वो पढ़ के आओ सीख को, क्या बोलते हैं कैसे टेस्ट करते हैं गोल को उसका, जस्ट वो भी सीख के आओ, ठीक है, जो लोग हैं वहां पे। ओके ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑल्सो, दिस इज ए प्रॉब्लम फ्रॉम रॉक मैकेनिक्स। ओके, तो इन ए रॉक मैकेनिक्स हमको क्या रहता है कि कोई भी रॉक स्ट्रेटा का परमेबिलिटी निकालना रहता है। राइट, ये यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे तो इसका लिख नहीं पाएंगे। हमको क्या निकालना रहता है, परमिएबिलिटी ऑफ ए स्ट्रेटा और रॉक और ए मीडियम। राइट, एंड व्हाट इज ए परमेबिलिटी, परमेबिलिटी हमको डार्सिस लॉ से पता है। डार्सिस लॉ से हमको क्या पता है कि जो क्वांटिटी फ्लो पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कितना है वहां पे, उसको हम रिलेट करते हैं, एक ग्रेडियंट कितना है और उसका एरिया कितना, एरिया में फ्लो कर रहा है। राइट, उसको हम रिलेट करते हैं किसके साथ, ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, क्यू बाय टी जिसको हम स्मॉल क्यू भी लिखते हैं, दिस विल बी इक्वल टू परमेबिलिटी के ए डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। राइट, ये डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा एल क्या है, ये आप लोगों को पता है, आई विल नॉट गो इन टू डिटेल। ओके, दिस इज फ्रॉम डार्सिस लॉ। ओके, बट दिस इज कॉल्ड योर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। जस्ट गाइस गिव मी अ सेकंड ना, दिस इज योर सरफेस एरिया थ्रू विच इट इज फ्लोइंग। ओके, दिस इज योर डार्सिस लॉ। हेलो इडा, हाँ आउ टिके क्लास हो से ए ऑर्डर आला ना, राइट, जब भी यहाँ पे हम कंडक्टिविटी निकालते हैं, हम इंजीनियर्स माइनिंग इंजीनियर्स कौन कौन से चीज का निकालेंगे, सॉइल का एंड रॉक का। राइट, वी नो सॉइल इज हैविंग वेरी हाई परमेबिलिटी, इसका बहुत हाई रहता है परमेबिलिटी क्योंकि वो पोरस रहता है, पोरस मीडियम है। राइट,
तो इसका परमेबिलिटी क्या है, बहुत ही ज्यादा हाई रहता है सॉइल का, राइट? बट इन ए रॉक परमेबिलिटी इज लो, वेरी मच लो, राइट? वो बहुत, उसका रॉक मैट्रिक्स इज वेरी मच लाइक नॉन परमेबल, मतलब कुछ एमएम पर डे ऐसा वहां पे चलेगा, कुछ सीएम, लेट सपोज इसका 5 cm पर डे वहां पे मूव करेगा वाटर, सोच रहे 5 cm जाएगा एक दिन में, उससे भी कम, राइट? तो दिस इज ए परमेबिलिटी ऑफ रॉक। तो अभी दोनों का टेस्टिंग करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है, जिसका परमेबिलिटी हाई है, के इज हाई, उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट हेड मेथड का प्रयोग करते हैं, कॉन्स्टेंट हेड मेथड, राइट? दिस इज ए सॉइल टाइप ऑफ सैंपल, सॉइल टाइप ऑफ मटेरियल, और जिसका के लो है उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉलिंग हेड मेथड का प्रयोग करते हैं। और ये ना आपको मिल जाएगा किसमें, आपको देवेन वर्मा बुक में मिल जाएगा, गूगल से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट देवेन वर्मा बुक में यू विल गेट इन ए कंसाइज मैनर। ओके, ये भी ये क्वेश्चन जो है ये दिया है सॉइल के लिए, इसीलिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट हेड मेथड यूज हुआ, आपने लिखा नहीं है, बट दिस इज ए कॉन्स्टेंट हेड मेथड। यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली कर रहे हैं, सी हम यहां से पानी दे रहे हैं, राइट? ये वाल पानी दे रहे हैं, पानी यहां से फ्लो कर, एक्चुअली ऊपर से देते हैं ये, कुछ सी ऐसे दे रहे हैं, राइट? यहां से पानी दे, दिस इज योर पानी, वाटर, पानी बोल रहा हूँ, वाटर इनटेक। ओके, दिस इज योर वाटर इनटेक। ओके, ये पूरा यहां से ऐसे सिपिंग होके, जैसे भी जिसको परमेबिलिटी के फ्लो करके वाटर यहां से जा रहा है, राइट? और यहां पे हम एक क्या लगा रहे हैं, जो आप मरकरी का ऐसे मीटर लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैनोमीटर, राइट? ये मैनोमीटर में यहाँ पे कुछ, ये तो आपका एयर के लिए होता है, के लिए सिंपल यहाँ पे मैनोमीटर टाइप का हम ऐसे थोड़ा बढ़ा दिए हैं, अगर ऐसे इंक्लाइंड ऐसे पाइप होता है, अगर यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो हम यहाँ पे अगर कट कर देते हैं थोड़ा, ये एक ट्यूब लगा देते हैं, तो पानी कुछ लेवल तक ऊपर उठ जाता है, राइट? दिस इज योर हेड, यहाँ से वहां से पता चलता है, राइट? तो इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ हेड है, वहां पे नीचे हम देखेंगे कुछ हेड होगा, तो दिस इज योर हेड डिफरेंस, डेल्टा एच, राइट? ये हेड हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, राइट? यहाँ पे ये फिगर रिप्रेजेंट किया, देखते हैं यहां से वाटर का कुछ, वाटर ये वाटर कैसे प्रेशर डालता है, रो होता है ना प्रेशर, राइट? तो ये एक सरफेस है और यहाँ पे उसका रिसीविंग है, दिस इज अनदर सरफेस, राइट? तो यहाँ पे हेड डिफरेंस क्या है, बेसिकली दिस इज योर डेल्टा एच। यहाँ पे ऐसे भी दिखाया गया है, ये यहाँ पे पानी का इस फिगर में जैसे है, इस फिगर में, इस यहाँ पे पानी, सिंस वाटर इज गोइंग फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, राइट? यहाँ पे पानी कुछ ऐसा रहेगा, राइट? एंड अगेन कुछ ऐसा रहेगा, राइट? तो बिटवीन दिस टू, दिस डिफरेंस इज योर डेल्टा, माइनस वन माइनस एच टू, दिस इज योर एच वन, दिस इज योर एच टू, राइट? ऐसे ना दिखा, यहाँ पे दिस इज योर एच टू, दिस विल बी योर एच वन, जो भी है, राइट? बट यहाँ पे डेल्टा एच, यू मे रिकॉल डेल्टा एच, तो वो आपको गिवन रहता है, ठीक है? दिस योर डेल्टा एच, दिस इज योर होल सैंपल लेंथ, राइट? जो आपका डेल्टा एल है, दिस इज योर डेल्टा एल अक्रॉस दिस। ओके, यहाँ पे यहां तक टेस्टिंग हुआ है, इसलिए अक्रॉस यहां तक दिखाया गया है, बिकॉज टेस्टिंग में जो हेड डिफरेंस लिया गया है वो इतना लेंथ में लिया गया है, राइट? ठीक है, कोई इशू नहीं है, राइट? तो अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट परमेबिलिटी कैसे निकालेंगे, डार्सिस लॉ में आइए, क्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू के ए डेल्टा एच डिवाइडेड बाई डेल्टा एल। हमको के निकालना है, हम परमेबिलिटी टेस्टिंग कर रहे हैं ना यहाँ पे, हमको के निकालना है बेसिकली, राइट? तो परमेबिलिटी टेस्टिंग में हम क्या करेंगे, हमको क्या क्या पता है यहाँ पे, सी हमको इसका सरफेस एरिया पता है, ओके? ये कुछ सिलिंड्रिकल शेप का, जो भी जैसा भी शेप है, रेक्टेंगुलर जो भी, इसका एरिया पता है,
ये डेल्टा एल पता है, यहाँ पे डेल्टा एच पता है, ये डेल्टा एच ले लो, राइट। डेल्टा एच डेल्टा एल पता है, ए पता है, राइट, ए पता है, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पता है, कितना पानी यहाँ से छोड़ रहे हैं वो हमको पता है, राइट, ये टंकी कितना छोड़ रहे हैं और कितना टाइम ले रहा है वो यहाँ से क्रॉस करने के लिए, वो हमको पता है। तो बस बचा क्या, के बच गया। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट रेट मेथड में क्या होता है, के इज इक्वल टू, इसको स्मॉल क्यू लिख देता हूँ, क्यू इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई ए, ए इंटू डेल्टा एच, दिस इज योर कॉन्स्टेंट हेड मेथड में निकलता है। बट इन अ फॉलिंग हेड मेथड क्या होता है, इन अ फॉलिंग हेड मेथड, उसके लिए थोड़ा मैं थ्योरी डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि वो ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है कॉन्स्टेंट हेड मेथड जैसा, ठीक है। ओके, फॉलिंग हेड मेथड में क्या होता है बेसिकली, जस्ट सी हियर, क्योंकि इसका परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो हमको बहुत सिग्निफिकेंस अमाउंट ऑफ क्यू पास करने के लिए भी क्या लग रहा है, बहुत टाइम लगता है, तो हम वो कैलकुलेशन नहीं करते हैं डर्सी लॉस वाला। ऑल्दो डर्सी लॉ यहाँ पे यूज होगा, बट यहाँ पे और क्या यूज होता है देखो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा, जस्ट आप लोग बाहर से भी इसको देख लेना, क्योंकि मैं इतना डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, जस्ट क्विकली आई विल गो, बिकॉज यहाँ पे कॉन्स्टेंट हेड मेथड का ही क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, इजी क्वेश्चन ही है, राइट। अभी अभी तक फॉलिंग हेड में कभी पूछा नहीं है, मैं पूछ सकता है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पतला सा ट्यूब लगाते हैं, ये बहुत पतला है, और दिस इज योर सॉइल का क्रॉस सेक्शन, मतलब सॉरी रॉक का क्रॉस सेक्शन, बिकॉज हमको ये बहुत लेस परमेबिलिटी वाले मटेरियल के लिए हम ही यूज करते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे जो क्वांटिटी कलेक्ट होता है वो अपन कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे एक ट्यूब में क्वांटिटी कितना कलेक्ट हो रहा है वो नोट डाउन करते हैं, और कितना टाइम में कलेक्ट हो रहा है, राइट, और कितना टाइम में कलेक्ट हो रहा है, तो क्यू बाई टी हमको यहाँ से मिल गया, तो क्यू बाई टी विच इज योर क्यू इज इक्वल टू डर्सी लॉ से क्या है, के डेल्टा एच डिवाइडेड बाई डेल्टा एल, राइट। तो यहां पे डेल्टा एच बेसिकली दिस वन, राइट, इस हेड से इस हेड तक, राइट, वेट, और इसको और थोड़ा आगे लिख देता हूं पहले, ये छोटा वाला पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया लेट सपोज ए पी है, राइट, ए पी डी एच डिवाइडेड बाई डी टी, मतलब ये डी एच मूव करेगा डी टी टाइम में, तो यहां पे कुछ क्यू अमाउंट कलेक्ट होगा इन टी टाइम, दिस इज आवर ये पोरोस्टोन, राइट, कॉन्स्टेंट, सही तो बताया हूँ ना, कॉन्स्टेंट हेड इज फॉर फॉलिंग हेड इज, हाँ, सॉल सैंपल के लिए कॉन्स्टेंट हेड है, राइट। तो मैं बस अभी यहाँ पे आपको ये डेरिवेशन बता दे रहा हूँ, राइट, क्योंकि अभी टाइम भी हो गया एंड आई हैव टू गो रश फॉर सम वर्क, ओके। dt को अगर कितना टाइम लग रहा है वो हम बेसिकली निकालेंगे, ap into l divided by k into a, बस अभी ये दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे डेल्टा एच और डेल्टा एल सिमिलर मीनिंग है, फिगर के हिसाब से डिपेंड कर रहा है कि कैसा फिगर हम ले रहे हैं, दिस इज योर l, राइट, दिस इज योर डेल्टा l अक्रॉस दिस, इसमें यहाँ पे भी अगर ऐसे कर दें, यहाँ पे कुछ हेड है, राइट, और यहाँ पे कुछ हेड है, राइट, राइट, अभी ये डायग्राम को कुछ इस तरह लेते हैं, राइट, इस तरह लेते हैं, राइट। तो दिस विल बी योर डेल्टा एच, यहां पे हेड डिफरेंस, तो डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा एल, राइट, ये वैसा सेम ही है, यहाँ पे डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा एल मिल गया, ए पता है हमको, ए पी पता है, तो हम कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट करेंगे, और डी एच हम यहाँ से नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, एच वन माइनस एच टू, मतलब यहाँ पे कुछ मार्क होगा यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लग रहा है, एच वन टू एच टू आने के लिए, राइट, वो सब हम एक टेस्टिंग इसका कहीं पे आप वीडियो देख लेना, राइट, वो सही रहेगा।
तो डीएच इज बेसिकली फ्रॉम एच वन टू एच टू, और कितना टाइम लग रहा है टी वन टू टी टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता है टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू, ये आप देख लेना, अभी तक गिरा नहीं है, मैं भी गिर सकता है राइट। तो ये क्वेश्चन सब बनाना, रॉक मैकेनिक्स का छोड़ना मत, एच टू बाई एच वन बिकॉज लॉन एच टू लॉन ए माइनस लॉन बी इज इक्वल टू लॉन ए बाई लॉन बी लॉन ए बाई बी ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहाँ से हमको कंडक्टिविटी कितना मिलता है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एल इंटू ए पी, ये छोटा वाला इसका रेडियस ए पी मतलब एरिया ए पी डिवाइडेड बाय ए, ये बड़ा वाला का इसका एरिया लेट सपोज ए है राइट, ए इंटू टी टू माइनस टी वन लॉन, जो छोटे वाले में कितना हेड चेंजेस हुआ है, बिकॉज बड़े वाले में तो हेड चेंजेस कुछ होगा नहीं, बहुत ही माइन्यूट है यहाँ पे हेड चेंजेस, इसीलिए हम क्या किए हैं इसको इंटीग्रेट किए हैं राइट। सॉरी ये कांस्टेंट हेड है, फॉलिंग हेड है ना, ओके ओके ओके, दिस हेड विल बी दिस हेड विल रिमेंस कांस्टेंट, ये डेल्टा एच नहीं होके ये एच ही रहेगा राइट, ये हेड हमेशा कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे राइट। ओके जस्ट वेट, सॉरी, विथ टाइम वेरिएशन दिस डेल्टा एच, यहाँ पे जो डेल्टा एच है ये डेल्टा एच जस्ट टेंड्स टू एच राइट, ये क्यों हो रहा है अभी मेरे को आई कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा राइट। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉन्स्टेंट परमेबिलिटी ऑफ दिस रॉक सैंपल, यहाँ पे रॉक टाइप ऑफ सैंपल रहेगा, यहाँ पे सॉइल टाइप ऑफ नहीं रहेगा जिसका परमेबिलिटी बहुत लो होगा। ओके जस्ट हैव ए रीड दिस, सेंट का परमेबिलिटी सॉइल से ज्यादा होगा, हाँ ऑब्वियसली वो तो बहुत ही पोरस है ना, तो जस्ट रीड इट वंस फ्रॉम योर जो भी आपका देवेन वर्मा बुक या कोई बुक से, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अभी यहाँ पे क्या बोला गया है कि एरिया ऑफ द सॉइल सैंपल, बस वन लाइनर है ये, ठीक है, इतना बड़ा फिगर दिया है बट दिस इज वन लाइनर क्वेश्चन। एरिया आपका कितना दिया है 20 cm square, ओके परमेबिलिटी ऑफ द सैंपल कितना है यहाँ से लेंथ, दिस इज योर डेल्टा एल, ओके डार्सिस लॉ स्मॉल क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा एच डिवाइडेड बाई डेल्टा एल राइट। कितना कलेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ये क्यू दे दिया डायरेक्टली एम एल पर आवर में, एम एल को हम एम एल इज 360 ml राइट, एम एल को 1 cc इज इक्वल टू 1 ml, ये कन्वर्सन याद रखो, 1 m³, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, 1 m³ इज इक्वल टू हाउ मच 1000 L ओके। तो ये कन्वर्ट करते हैं इसको, इसको कन्वर्ट कर दो आई थिंक राइट, अभी और मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा। यहाँ पे डायरेक्ट एक क्यू का वैल्यू यहाँ पे दिया है, क्यू का वैल्यू यहाँ पे दिया है, तो 360 ml/h इज इक्वल टू के इंटू एरिया कितना दिया है 20 cm² एम एल को cm² बराबर होता है cm³ है, एम एल इज इक्वल टू सीसी cm³, 20 cm² इंटू डेल्टा एच कितना दिया है, डेल्टा एच 5 cm दिया है, डेल्टा एल दिया है आपका 20 cm, ओके तो 20 कट गया, 20 cm² एरिया भी दिया है राइट 5, तो ये आ गया के इज इक्वल टू 360 / 5 cm² ऊपर है राइट, ये cm कट गया, ऊपर तो cm² था, तो cm पर आवर है, इसको कन्वर्ट करना है cm पर सेकंड में राइट, ये बहुत ज्यादा आता है cm पर आवर है, 1 hr बराबर 60 s, ओके आवर कट गया राइट, दिस इज अराउंड दिस इज कमिंग अप टू बी 6/5 cm/s, इतना स्पीड से वहां से पानी निकलेगा राइट। ये कन्वर्सन याद है, ये कन्वर्सन याद रखना, दिस इज एन इम्पोर्टेंट कन्वर्सन, ओके एनी डाउट स्टिल नाउ जस्ट थ्रो इट, 6/5 का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 × 5.1 1.2 cm/s, wait 1 second, 1.2 letters, 45 का आंसर, 45 का आंसर, ओके ये गलत है आई थिंक, वहां से थोड़ा चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना था, ओके जस्ट डू इट बाय योरसेल्फ एंड यू विल फाइंड द आंसर।